पांच और छह फार्मूले, और तो पांच फार्मूले जो देखे थे हमने, पांच पांच दस ग्यारह, पहले एक बार उनको रिवाइज करते हैं पेज पे, फिर उसको आगे लिखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला जो हम लोगों ने देखा था, वो देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, है ना। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन यस किया था, इसकी वैल्यू आई थी एन एक्स पावर एन माइनस वन। जो दूसरा फार्मूला हमने देखा प्रैक्टिस किया था, वो डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, इसकी वैल्यू आई थी ई पावर एक्स। तीसरा फार्मूला जो देखा था हमने डी बाई डी एक्स, वो था ए पावर एक्स, इसकी वैल्यू आई थी ए पावर एक्स एल एन ए। चौथा फार्मूला जो हमने देखा था, वो था डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, मॉड लिख लेते थे ताकि दोनों आ जाए, इसकी वैल्यू वन बाई एक्स आती थी। पांचवा फार्मूला इसमें जो हमने देखा था, वो था डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन बेस ए एक्स, बेस ए एक्स, इसकी इसकी जो वैल्यू आई थी वो ऐसी आई थी, वन बाई एक्स आ गई थी, और एल एन ए को एल एन ए बेस ई बना दिया था हमने। क्या बना दिया था? एल एन ई बेस ए, एल एन ई बेस ए बना दिया था, ठीक है, एल एन ए बेस ई। छठा फार्मूला देखा था हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हो गया था कॉस एक्स। सेवन देखा था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये हो गया था माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये हो गया था सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स सेक एक्स, ये हो गया था सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स देखा था हमने, ये था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड डी वाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। ये 11 फार्मूले हमने देख लिए थे, अब आज इनवर्स वाले फार्मूले देखेंगे 6 और, ठीक। ट्वेल्व नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका फार्मूला होता है माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, जो साइन का वही कॉस का, माइनस साइन लग करके। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इसका होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेवेंटीन नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होता वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एटीन नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाता आपका माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस।
तो ये सारे फार्मूले देखने के बाद में कुछ थ्योरम है उनको देख लेते हैं। हालांकि इनको यूज करना हमने शुरू कर दिया था, लेकिन लैंग्वेज में एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे हम बाकी का काम और बिजली से कर पाए, जो कर रहे थे उसी को लैंग्वेज दे देते हैं, ठीक है। वो क्या है, उसको रूल भी कह सकते हैं, थ्योरम भी कह सकते हैं। थ्योरम्स ऑन डेरिवेटिव, वन डी वाई डी एक्स, इसको हम करते आए हैं अभी तक, एफ वन एक्स प्लस माइनस एफ टू एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, ठीक है। नंबर टू, डी वाई डी एक्स ऑफ सम के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें फंक्शन को तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स डी वाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, ठीक है। यस सर, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। नंबर थ्री, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ टू एक्स, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए जो रूल होता है तो हमने लिखा हुआ था, काम भी किया, वो हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। ठीक है, यस सर। इसी तरीके से अगर डिवीजन में होता है तो एक नया फार्मूला बनता है, ये एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स में ये बन जाता है, डिवीजन वाले को हम चाहे तो वन और टू मान करके, वन बाई मान करके हम मल्टीप्लीकेशन वाले से भी कर सकते हैं। कई बार बच्चे इसको ही फॉलो करते हैं, कई बार हमने भी किया है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको डिवीजन का लगाना फार्मूला तो इसके हिसाब से जो फार्मूला बनता है वो ये बन जाता है, क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन माइनस हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन देन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी सेकेंड फंक्शन। तो ध्यान दो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है माइनस साइन के साथ में, खाली एक नया टर्म जुड़ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा एफ टू एक्स का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये एफ टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया है, बहुत इजीली कोई बच्चा जान सकता है कि ये ऊपर वाला ही किया गया है, एफ वन एक्स डी बाई डी एक्स वन बाई एफ टू एक्स किया गया था, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है, कितना आता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, ठीक है, ओके, यस सर, हाँ ठीक। तो चाहे तो इसी वाले से करके इसको ड्राइव कर लें, चाहे तो इसी को याद कर लें, दोनों में से जो भी पसंद आए वो हम कर सकते हैं। ये चार थ्योरम हो गए जो कि हम यूज करेंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ चीजें और देखते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। सर एक मिनट, हाँ बोलिए,
हो गया सर. देखते हैं कि चैन रूल क्या है. तो चैन रूल वही है जो हमने पीछे प्रैक्टिस किया है कि कहीं पे एक्स ना हो डायरेक्टली तो उसको एक्स मान लेते हैं और उसको आगे के स्टेप में हम डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि इफ वाई इज फंक्शन ऑफ टी एंड टी इज फंक्शन ऑफ एक्स, टी इज फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको निकालेंगे कैसे. तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके के सिस्टम में जो निकलता है वो बन जाता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी वाई डी एक्स से. ठीक है, क्या करते हैं इसको डी वाई बाई डी टी निकाल लेते हैं इसकी हेल्प से और यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाता है. ठीक है, क्या निकल जाता है डी वाई बाई डी एक्स. इसी को अगर हम ध्यान से अगर देखें इसको तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एफ डैश टी है. क्या है एफ डैश टी और ये कितना फाई डैश एक्स है ना. दिस इज कॉल्ड चैन रूल, दिस इज कॉल्ड चैन रूल. इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन हो तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मान लो y इक्वल टू आपको दिया हो एफ टी एंड t इक्वल टू दिया हुआ फंक्शन ऑफ z एंड z इक्वल टू दिया हो फंक्शन ऑफ x. तो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सिस्टमेटिक करने से करते जाना है. डी वाई बाई डी टी निकालो पहले, फिर डी टी बाई डी जेड निकालो आप, फिर डी जेड बाई डी एक्स निकालो आप. ये पूरा मीनिंग जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स का होगा. इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ डैश टी, ठीक है, फाई डैश जेड देन साइन डैश एक्स, है ना, यूजिंग चैन रूल. ओके, यस सर. चलिए इस पे एक एग्जांपल करके इसको नोट कर फिर एग्जांपल करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा. एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं. सपोज y is given as log of sin x cube. y is given as log of sin x cube. This equal to given as log t. ठीक है, ओके. मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ y रिटन एज y इक्वल टू log t एंड t इज रिटन एज साइन x क्यूब, है ना. तो y को फंक्शन t का बना दिया गया और t को फंक्शन x का बना दिया गया. ये बन गया y इक्वल टू एफ टी और ये बन गया t इक्वल टू एफ एक्स, बन गया ना. ठीक है, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही हो जाएगा ना. यस सर. ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी निकाल लो ऊपर वाले से, डीवाई बाई डी टी निकाल लो ऊपर वाले से, निकाल लो डीवाई बाई डी टी, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहीं पे डीवाई बाई डी टी निकाल लेते हैं. देखो
यहाँ से dy by dt कितना हो जाएगा, log t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 by t हो जाएगा ये, है ना? ठीक? Yes sir. और dt by dx कितना हो जाएगा, dt by dx हो जाएगा, इसको तो साइन x है ये, तो साइन x का कोटा कितना cos x हो जाता है ना, x क्यूब का दोबारा से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों को साथ में करके लिख लेते हैं, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर cos x क्यूब हो जाएगा, ठीक? इसका आंसर लग के लिखती हूँ यहाँ पे, dt कितना है 1 by t है, dy by dt कितना है 1 by t, और dt by dx कितना है 3x स्क्वायर cos x क्यूब, और t इक्वल टू कितना दिया है आपको sin x क्यूब, तो t की जगह पे लिख दो sin x क्यूब, लिख दो यहाँ पे sin x क्यूब, इसको सिंपलीफाई कर दो तो बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर cot x क्यूब, ठीक? Yes, sir. इसी एग्जांपल को तीन फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं, देखो लिख लिया इतना सर, एक मिनट, हो गया बेटा? यस सर। चलिए इसी को देखते हैं तीन फंक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, वाई इक्वल टू लॉग साइन एक्स क्यूब है, तो एक दो तीन दिया हुआ, इसी को ऐसे लिख सकते हैं वाई इक्वल टू log t, t equal to sin z and z equal to x cube, तो अगर तीनों को अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर तो बात यही बनेगी ना, ठीक है? तो अब अगर ये इक्वेशन दिया है तो यहां से अगर आपको dy by dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा dy by dt, ये बन जाएगा dt by dz, ये बन जाएगा dz by dx, हो जाएगा ना, ठीक है? तो तीनों से निकालते हैं dy by dt, यहां से निकाल लो कि ये 1 by t मिल जाएगा, dt by dz यहां से निकालो तो ये cos z हो जाएगा, और dz by dx यहां से निकाल लो तो कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, तीनों के वैल्यू यहाँ पे लाके पुट अप कर दो तो बन जाएगा 1 by t cos z 3x स्क्वायर, इन तीनों की फर्दर वैल्यू पुट अप करो ये जो दी हुई है उनके टर्म में,
तो t इक्वल टू आप लिखो, क्या लिखोगे, 1 अपॉन sin z लिख सकते हैं, ऊपर cos z रहने तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका cot z इनटू 3x स्क्वायर, और z इक्वल टू x क्यूब है तो x क्यूब की वैल्यू पुट अप कर दो, 3x स्क्वायर ये बन जाएगा cot x क्यूब, बन जाएगा ना। यस सर। तो आप इसको इतने टर्म में करो बार बार चैन रूल यूज करके, या फिर जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा हुआ है वन स्टेप करने का, उसी तरीके से करते चले इसको, दोनों आपकी मर्जी है। लॉग आप साइन एक्स क्यूब था, इसमें इसको हम एक्स की तरह देखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, एक्स मतलब साइन एक्स क्यूब हो जाएगा, फर्दर ये डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, साइन एक्स क्यूब का। अगला स्टेप पढ़ेंगे तो अगले स्टेप में हम इस एक्स क्यूब को एक्स के तरीके से देखेंगे, तो कितना हो जाएगा, वन अपान साइन एक्स क्यूब, और साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्यूब, उसको हमने एक्स की तरह देखा था, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स क्यूब का, ये बन जाएगा, देखो ये cot बन जाएगा, cot x क्यूब, और थ्री का कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, उसको साथ में ऐसे लिख दो 3x स्क्वायर cot x क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों में से जो भी yes, sir. आपको पसंद आए, जो भी इजी लगे, जिसमें आपको लगे कि आप मिस्टेक नहीं करेंगे, वो मेथड आप यूज करते हुए लगाते हैं। ये भी चैन रूल का चैन रूल ही है, ये भी चैन रूल ही है। ठीक है, ओके सर। हो गया बेटा, एक मिनट सर। हो गया सर। इसी तरीके से अगर कुछ बहुत सारे इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं, देखो एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। अगर आपको डी वाई डी एक्स निकालना है साइन वाई का, किसका निकालना है, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई निकालना है, तो कैसे निकालोगे, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन वाई निकालना तो कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो इसमें साइन है वाई को एक्स की तरह मान के कर रहा है, तो ये बन जाएगा cos y और आगे dy by dx हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको dx upon dy y square का dy by dx निकालना है, तो y को x की तरह मान के करोगे, तो ये x square का बन जाएगा 2x यानी 2y, अब फिर से dy by dx कर देना है इसको। ठीक है, इसी तरीके से डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब अगर आपको निकालना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ओके
यस सर। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू फोर देन फाइंड डी वाई वाई डी एक्स। अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन है इसको ऐसे लिखो, कैसे लिखो जो भी दिया हुआ है इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू फोर। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या मिलेगा? ये मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, सॉरी, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फोर। अब देखो इस पे रूल लगा दो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, d by dx आप ब्रैकेट में x into y रह जाएगा प्लस d by dx आप y क्यूब हो जाएगा। ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। देखो d by dx 2x का कितना बन जाता है, 2x बन जाएगा x स्क्वायर का। ये तो टू ब्रेक बाहर रखो, इस पे x into y दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू वाई, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। बाहर यहाँ क्या बचेगा, थ्री वाई क्यूब है, ये थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो बन जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 बाहर ही रखो, dx by dx का 1 हो जाता तो ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा x dy by dx। अब बाहर है आपके पास में 3y square dy by dx equal to 0, अलग कर लो, बन जाएगा 2x plus 2y plus 2x dy by dx प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। इसको साथ में लेकर के राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो बन जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, टू कॉमन ले लो, माइनस टू हो जाए कॉमन ले लो, तो बन जाएगा एक्स प्लस वाई। यहाँ से dy by dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, टू एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे हमने dy by dx को हमने मतलब रिमूव क्यों नहीं किया? आज नहीं आ रही थी। सर हमने dy by dx को रिमूव क्यों नहीं किया? dy by dx को रिमूव कहाँ से रिमूव करेंगे इसको? सर मतलब जैसे आधे में कैसे कर दिया हमने फिर ऐसे? सर जैसे 2x है और 2y है, इसमें हमने dy by dx कैसे नहीं आया? ये कहाँ से आ गया पूछ रही हो? यस सर।
ये टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू एक्स हो जाएगा आपका ये, और डिवाइड बाई डी एक्स तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, ये यहाँ से आया हुआ है जब इसको डिफरेंशिएशन आपने किया है। ओके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन, मल्टीपल है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यस सर, इनटू वाई का, ठीक है, यस सर, ये एक्स इनटू वाई का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, यस सर। इनको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं पूरे को, क्या बोलते हैं, स्टार्ट के फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। हो गया, यस सर, एक बार इसको फिर से अपने से देख लो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी मेथड को यूज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इफ y इक्वल टू गिवन एज x प्लस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x प्लस वन अपॉन x प्लस डॉट 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 जा रहा है, ये x के साथ में x के नीचे प्लस है, ये देख ध्यान रखना ये, ठीक है, इस तरीके का कोई सीरीज दिया हुआ यानी x प्लस वन बाई x प्लस वन बाई x प्लस वन बाई x प्लस वन बाई x, इस टाइप का कोई सीरीज दिया हुआ इनफाइनाइट सीरीज, तो इसमें ध्यान रखते हैं कि ऐसे सीरीज में अगर आपने एक टर्म छोड़ भी दिया तो वैल्यू आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है, तो दिस y कैन बी रिटर्न एज x प्लस This again can be written as equal to y. लिख सकते हैं one by y, ठीक है? Yes, sir. एक टर्म को छोड़ दिया हमने इसमें से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज में क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें, ठीक है? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके सॉल्व करते हैं, पहले टर्म को छोड़ के बाकी टर्म को दोबारा y के इक्वल लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन, ठीक है, यस सर। अब इसमें इसके हेल्प से हमें फाइंड करना है, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो निकालो डीवाई बाई डी एक्स, एक बार अपने से फिर मैं करके दिखाऊंगा, यहाँ ये इक्वेशन बन जाएगा, इसके हेल्प से डीवाई बाई डी एक्स निकालना, जैसे पीछे निकाला वैसे निकालो जिससे पता चले कि dy by dx आप निकाल पा रहे हो कि नहीं, फिर बताता हूं मैं इसको करके, ठीक है, ये जो नया इक्वेशन बना इसको डिफरेंशिएट करो, देखो अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या बन जाएगा ये dy by dx of y square equal to dy by dx equal to dx dy dx xy plus 1, ठीक है, yes, इसको अलग कर लो, तो देखो पहला टर्म y square, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा एंड dy by dx बचा रह जाएगा ऐसे इक्वल टू, ये अलग अलग हो जाएगा क्या, dy dx ऑफ x into y प्लस dy dx ऑफ 1 हो जाएगा, ये है ना, ये देखो मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन से तो कितना हो जाएगा dx by dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, ये वन का जीरो हो जाएगा, ये है अपना टू वाई डीवाई बाई डी एक्स, टू वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो एक्स का डीवाई बाई डी एक्स कितना हो जाता है, डीवाई डी एक्स वन हो जाएगा,
तो वन इंटू वाई हो जाएगा, ये एक्स डीवाई बाई डी एक्स रह जाएगा। अब देखो डीवाई बाई डी एक्स आपको चाहिए तो इसको इधर लेकर के चले आओ, तो इसको इधर ला करके डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो बन जाएगा टू वाई माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपको डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू y डिवाइड बाई टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, यस सर। इफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू फोर, देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में खूब आते हैं, देन फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, देखिए कैसे निकल सकता है। फाइंड डीवाई बाई डी एक्स एट वाई इक्वल टू वन पे करना है, तो ये फाइंड आउट करने के पहले अपने को डीवाई बाई डी एक्स निकालना है। तो गिवन क्या गिवन है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू फोर, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू वन एक्स। डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फोर, है ना। ये देखो प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वाई, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर कांस्टेंट है। इसको डिफ्रेंशिएट करें तो अंडर रूट एक्स का हमको पता है कितना वैल्यू होता है, वन बाई टू अंडर रूट एक्स होगा। इसी तरीके से वाई अंडर रूट का कितना होगा, वन बाई टू अंडर रूट वाई होगा। अब क्योंकि वाई को हमने एक्स की तरह देखा था तो इसको डी वाई बाई डी एक्स करके यहाँ छोड़ देंगे, इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, हमको डीवाई बाई डी एक्स चाहिए तो इस वाले हिस्से को आर एच एस राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, यहाँ से अपने को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो वो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंडर रूट वाई बाई अंडर रूट एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट वाई बाई अंडर रूट एक्स हो जाएगा। कहीं कुछ छूटा है क्या, नहीं। ठीक है, माइनस अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट वाई होगा। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट वाई। ठीक है, ओके, यस सर। डीवाई बाई डी एक्स ना बोलो, यस सर, मैं पीएच से बोल रही हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको वाई की वैल्यू निकालना है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो अंडर रूट वाई इक्वल टू फोर माइनस अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो डीवाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी मिल जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू दी हुई है, इसको निकालना है। तो अब देखो ये y की बजाय x की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस यहीं पे रखो, अंडर रूट x की जगह पे 4 माइनस अंडर रूट y लिख सकते हैं, है ना। ये रहेगा अंडर रूट y, इसको सॉल्व कर लो तो बन जाएगा अंडर रूट y माइनस 4 अपॉन अंडर रूट y। ये आपका डीवाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई बन गया, वाई इक्वल टू वन दिया है, इसका मीनिंग हो गया सो एट वाई इक्वल टू वन, इसको लिखेंगे डीवाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू वन, का मतलब इसमें वाई की वैल्यू वन पुट अप कर दो, अंडर रूट वन माइनस फोर अपॉन अंडर रूट वन, ये बन जाएगा वन माइनस फोर बाई वन, ये बन जाएगा इक्वल टू माइनस थ्री। दिस इज योर आंसर। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं,
आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा dy by dx मिल गया, dy dx अंडर रूट x log x। अब इसमें देखो ये अंडर रूट पूरा दिया हुआ है तो इस पूरे के पूरे को x मान करके चैन रूल की बात का डिफरेंशिएशन करो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट वन बाई टू अंडर रूट x हो जाता है, x log x हो गया, dy dx इस पूरे को x माना था तो ये बन जाएगा x log x। फर्दर डिफरेंशिएट करो इसको, क्या करें फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो ये बन जाएगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स लॉग ये बाहर आ जाएगा अंदर जाएंगे देखो ये मल्टीप्लीकेशन है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो dx बाई एक्स इसकी वैल्यू वन हो जाएगी ये बच जाएगा लॉग ई एक्स प्लस सेकेंड फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इसकी वैल्यू वन बाई एक्स हो जाएगी ये कैंसिल होके वन आ जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स लॉग ई एक्स ब्रैकेट में मिलेगा अपने को लॉग ई एक्स प्लस वन। अब ये वैल्यू हमको एक्स इक्वल टू ई पे फाइंड करना है तो एट एक्स इक्वल टू ई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिखो एक्स इक्वल टू ई और इस सिचुएशन में एक्स की जगह पे ई लिखो पूरा तो टू अंडर रूट ई ये बन जाएगा लॉग ई इंटू ई ब्रेकअप में बन जाएगा लॉग ई इंटू ई प्लस वन। अब आपको पता कि बेस सेम हो तो वैल्यू बेस की वैल्यू वन हो जाती है तो वन अपॉन टू अंडर रूट ई यहाँ मिल जाएगा वन प्लस वन यहाँ मिल जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा ये इक्वल टू वन बाई अंडर रूट ई आपका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू ई ये वन बाई अंडर रूट ई बन जाएगा। ठीक तो हार्डली वन एंड हाफ मिनट का क्वेश्चन था ये बन गया। सर मैंने थर्ड वाला जो स्टेप है ना मतलब सेकंड वाला इसमें गलत कर दिया था। चलिए कंप्लीट कर लो इसको फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया